टॉप 10 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोटा हैंगिंग ब्रिज के बारे में। मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी चैनल। तो आइए देखते हैं। कोटा हैंगिंग ब्रिज कोटा बाईपास पर स्थित है। यह ब्रिज शहर के बाहर चंबल नदी को पार करता है। इस पुल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। यह ब्रिज दक्षिण कोरिया के हुंडई इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस हैंगिंग ब्रिज को बनने में कुल लागत 213.58 करोड़ रुपए आई है। यह पुल नवंबर 2012 में खोला जाना था। बाद में इसे मई 2017 तक धकेल दिया गया था। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर परियोजना के तहत केबल आधारित पुल का निर्माण 2006 में शुरू हुआ था। यह पुल चंबल नदी की सतह से लगभग 60 मीटर ऊंचा है। 24 दिसंबर 2009 को लगभग 5:30 पर निर्माण के दौरान एक घातक दुर्घटना हुई। निर्माण के चलते पश्चिम की ओर पुल के कैंटिलीवर का हिस्सा 10 खंड तक गिर गया। बिना किसी चेतावनी के नदी की ओर गिर गया, जिससे 48 मजदूरों और इंजीनियरों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। इस हैंगिंग ब्रिज के बनने से 4 बड़े फायदे होंगे। नंबर 1, जयपुर से बारा जाने वाले वाहन अभी चंबल पुल होते हुए जाते हैं। इसके बनने के बाद वाहन हैंगिंग ब्रिज से होकर बाईपास से बारा जा सकेंगे। नंबर 2, चित्तौड़ उदयपुर से बारा व झालावाड़ जाने वाले वाहन हैंगिंग ब्रिज से होकर निकल जाएंगे। नंबर 3, रावतभाटा से झालावाड़ रोड जाने के लिए चंबल ब्रिज तक का 16 किलोमीटर लंबा चक्कर नहीं लगाना होगा। जयपुर जबलपुर हाईवे अभी शहर के बीच से होकर गुजर रहा है। हैंगिंग ब्रिज बनने से ये ट्रैफिक भी बाईपास से ही गुजर जाएगा। हैंगिंग पार्ट के दोनों तरफ नॉइज बैरियर लगे हुए हैं। इससे पुल में गुजरने वाले वाहनों का शोर नीचे चंबल घड़ियाल सेंचुरी तक नहीं जाएगा। यह राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।